हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस डिमांड्स। आज हम बनाने वाले हैं शीर कुर्मा। ये एक स्वीट डिश है जो ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके उसे 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। फिर हम 7 से 8 खजूर लेके उन्हें भी गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। जैसे ही खजूर गर्म पानी में सोख हो जाए, हम उसे निकाल के उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। उसी तरह हम ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम एक डीप बॉटम पैन लेके उसे मीडियम हीट पे रख देंगे और उसमें 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देंगे। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होने लगे, हम उसमें अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता, बादाम, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हमें इन ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है और फिर एक प्लेट में निकाल के रख देना है। अब उसी पैन में फिर से 1 टेबलस्पून घी डाल के हमें उसमें सेवैया ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सेवैया इस्तेमाल की है। ये 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएंगी। हमें इन्हें भी घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इस पे एक गोल्डन सा कलर आ जाए, फ्लेम को ऑफ कर दे। अब हम एक क्लीन पैन लेके उसे मीडियम हीट पे रख देंगे। अब हमें इसमें 1 लीटर हाई फैट मिल्क ऐड कर देना है। ध्यान रखे, इसे बनाने के लिए हाई फैट मिल्क का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हाई फैट मिल्क से जो मलाई तैयार होती है वो इसके टेक्स्चर को और इन्हेंस कर देती है। हमें इस मिल्क को बॉयल होके रिड्यूस होने तक पका लेना है। जैसे ही मिल्क थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा, हम इसमें अपने फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और जो खजूर हमने कट किए थे उन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद हमें 2-3 बार इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। अब बारी आती है सेवैयों की। जो सेवैया हमने फ्राई की थी उन्हें भी धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दे। अब हम इन्हें अच्छे से दूध के साथ मिला लेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आने लगे, इसमें 1 चुटकी नमक ऐड कर दे। फिर हम इसमें 1/4 कप जितनी शुगर ऐड कर देंगे। हमने इसमें खजूर ऐड किया है तो इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ऑलरेडी होगी, तो शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें 1 टीस्पून जितना केवरा इसेंस और 1 चुटकी जितनी इलायची पाउडर ऐड कर दे। फिर इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर करके उबाल आने तक पका ले। अब बारी आती है सर्विंग की। इसे एक प्लेट में सर्व करके उस पर अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए ऐड कर दे। अब हमारा डिलीशियस शीर कुर्मा रेडी है। इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।